हमारा सम है ये क्यू, और क्यू जो पॉइंट है वो पी और आर से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस बराबर है। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में हमने क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका डिस्टेंस हो गया 0-5 का स्क्वायर, 1-3 का स्क्वायर, और इधर से 0-x का स्क्वायर और 1-6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25, और ये आ गया प्लस 4 बन गया, तो 4 का 16 हो गया, और ये 0 का ये x स्क्वायर आ गया, और ये 25 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 से 25 घट गए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमने क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू आर ये वाला है, क्यू आर डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर और 1-6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 ये 41, √41 आ गया, क्यू आर हमारा √41 आ गया, और पी आर हमारा 5-x का स्क्वायर प्लस −3-6 का स्क्वायर, −3-6 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर, और ये 5-4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 81 प्लस 1 √82, यानी पी आर हमारी √82 आ गई, ठीक है, और क्यू आर हमारी √41 आ गई। 10th सम है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट्स दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ये एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई जो है, इन दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो एक्स माइनस 3-3-x प्लस 6-y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स −-3 और वाई −4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट दोनों तरफ से कट गया, और 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर, और ये 6x हो गया 2ab करके, इसका 6 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 12y आ गया, और y x प्लस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 है प्लस 6x आ गया, और y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y आ गया। तो इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों कट गए, और ये 6x और ये 6x माइनस के हो गए, ये 6x माइनस के दोनों तरफ आ गए, और ये 12y माइनस की और 8y इधर से प्लस की माइनस हो गई, और ये 9 36 और 9 और ये 16 ये सारे इकट्ठे हो गए, इधर इधर से जो इधर आए वो माइनस हो गए, तो ये वाला आ गया −12x और 12y 8y आ गया −20y और 36 में 16 गए प्लस के 20 आ गए। तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3x प्लस 5y −4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्स वाई का रिलेशन आ गया, ताकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में इक्विडिस्टेंस हो। तो ये आपके 10 सम हो गए एक्सरसाइज 7.1 के।